भैया जटायु ने मुझे अपने पंखों पर बिठा करके मेरी रक्षा की। उसी समय मैंने कह दिया, भैया जटायु तुम अपने मुख से क्या मांगना चाहते हो, हम तुम्हें देने के लिए इच्छुक हैं। जटायु कहने लगा, महाराज दशरथ मुझे तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र राम अंतिम क्रिया के लिए चाहिए, मैं वचनबद्ध हूँ, वचन दे चुका हूँ, बेटा राम जटायु के लिए है, आप क्षमा करें गुरुदेव। राजा तो नहीं दोगे, नहीं दोगे, नहीं महाराज क्षमा करें, नहीं दोगे, नहीं दोगे। इस अयोध्या में आए हैं, परंतु
आज आपकी आंखों में आंसू, आंसू आने का कारण क्या है आप मुझे बताएं। बेटा राम गुरुदेव का आज मन हुआ, हमें बड़ा हर्ष सुख मिला, अपार खुशियां हुई, लेकिन गुरुदेव ने आते ही ऐसा प्रश्न किया है, हम उस प्रश्न को कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। तुम दोनों को मांग करके ले जा रहे हैं, हमारा हृदय कदाप नहीं कहता है, तुम्हें हम महाराज के साथ में भेज दे, अश्रु आने का बस यही कारण है। पिताश्री आप जानते हैं कि गुरुदेव की कृपा से, उनकी दया दृष्टि से आपने यज्ञ करवाया, पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया, तो राम का जन्म यज्ञ से हुआ है, हम चारों भाइयों का जन्म यज्ञ से हुआ है, तो यज्ञ हमारे धर्म के पिता हुए, और पिता की रक्षा करना एक पुत्र का कर्तव्य होता है, तो आज ये राम गुरुदेव के साथ में अवश्य जाएगा, परंतु आपकी आज्ञा लेकर के जाएगा, आप किसी प्रकार की कोई चिंता न करें, आपके राम का जन्म सूरपुर में हुआ है, आप प्रथा में चिंता कर रहे हैं। पिताश्री कहो बेटा राम। ओ पिता कीजे चिंता, आप किसी प्रकार की कोई चिंता न करें, वो पिता बिना कीजे चिंता, और रघुवंश की स्थान और निशाचरों का नाश करेंगे, और ये प्रणी ना खार जब तलक जान रहे,
साथ में जाने की आज्ञा प्रदान करें। बेटा राम हमारा हृदय कभी भी नहीं गए करता है, तुम चले जाओ। हो जाते होंगे बेटा करके हमें दुखारे Thank you.
क्षमा करना। बेटा राम व लक्ष्मण गुरुदेव के साथ में जा रहे हो, माता और पिता इन्हीं को समझना। गुरुदेव क्रोध के आवेश में आकर कोई कट वचन कह दे तो इनके बच्चों को ध्यान से न लाना। क्यों नहीं राजा, मैं तुम्हारे दो लाल लेके जा रहा हूँ, रही विधाता की मर्जी तो जोड़ी सहित में तुम्हारे पास लाऊंगा राजा। चलिए बेटा राम, चलो गुरुदेव। सौंपे भूपुर सिंह सुत बहु विधि असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाए पद शीश। बेटा राम गुरुदेव चलते चलते अचानक इन महलों के पास आए तो अचानक तुम्हारा पैर क्यों रुक गया है बेटा राम? गुरुदेव कहो। हम परम पूज्य पिताजी से आज्ञा लेकर के आए हैं। हाँ, और अभी तक हमने अपने मैया से आज्ञा नहीं ली है, तो हम कुछ समय के लिए अपनी मैया के पास जाना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे पिताश्री से मैंने तुमको मांगा बेटा राम, तुम्हारे पिताजी नारियों की तरह विलाप कर रहे थे। भला ये तो माता है, क्योंकि माँ अपने बच्चे पर कितना लाड़ लड़ाती है, खुद तो सोती है कीले में, बच्चे को सूखे से पिलाती है। भला तुमको अपनी माँ पर विश्वास है कि तुम्हारी माँ एक बाबा के साथ में जंगल में जाने की आज्ञा दे सकती है क्या? गुरुदेव हाँ, जैसे हमारे परम पूज्य पिताजी के सामने हमारे गुरुदेव आए, गुरुदेव ने समझाया। हाँ, और यदि हमारी माता हमें रोकेंगे तो अवश्य हमारी राजमाता आकर उन्हें समझा देंगे। ठीक है, किसी प्रकार की चिंता न करें। ठीक है बेटा राम, आप वापस आ जाना, नहीं ऐसा ना हो जाए अपनी मैया के पास जाके ममता में भूल जाए, नहीं बाबा खड़े खड़े तुम्हारे इंतजार में खड़े रहे। गुरुदेव हम अवश्य चिंता से आए, जाओ बेटा राम।